ये बेसन की स्पेशल बर्फी एकदम सॉफ्ट और दानेदार खास तरीके से बनी। खाने में ऐसा लगेगा कि आप सोन हलवा खा रहे हैं। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ये आधा कप बारीक सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं हो तो मोटी वाली सूजी को हल्का सा ग्राइंड कर लें। सबसे पहले सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे, लगातार चलाएंगे और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। बेसन की बर्फी में हम सूजी डाल रहे हैं आधा कप। इससे उसमें थोड़ा दाना आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और सूजी थोड़ा देर से भुनती है इसीलिए हम इसे पहले भून रहे हैं। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दे रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। बाद में बेसन के साथ। तो ये मैंने 1 कप भर के घी ले लिया है, वजन में 250 ग्राम। इसमें से आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल रहे हैं अभी, और जो बचा हुआ है बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। और मेल्ट कर लेते हैं सूजी के साथ ही। और अब डाल रहे हैं 2 कप बेसन, वजन में 250 ग्राम। बेसन को छान कर ले लिया है जिससे गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और अब मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और देखिए इतने ही घी में ये बेसन अच्छे तरीके से गीला हो गया है। और फ्लेम को तेज मत करिए, मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, तभी बेसन का अच्छा टेस्ट आता है। इसे भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितना फूल रहा है, अच्छे झाग भी आ रहे हैं। इसे हम लगातार चलाते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे फ्लेम लो मीडियम और मीडियम, तेज बिल्कुल नहीं करनी। और मैंने बर्फी बनाने के लिए घी का ही यूज किया है। मिठाइयाँ घी में बनती हैं तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो घर में आप बर्फी बना रहे हैं बेसन की तो देसी घी से ही बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसे भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही बढ़िया सी खुशबू आने लगती है और हल्का कलर चेंज हो जाता है, बेसन भूनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़े दाने बनाएंगे। इसमें डाल रहे हैं थोड़ा दूध, 1-1 टेबल स्पून दूध डालिए और इसे चलाते जाइए। और दूध डालते ही से आप देख रहे हैं कितने झाग आ गए इसमें। 1 टेबल स्पून दूध और डाल देते हैं। इस दूध का काम बेसन में दाने बनाना है। वो बर्फी बहुत ही अच्छी दानेदार बनती है। लेकिन यहाँ भी आप फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे, लो मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि फ्लेम को अगर आप तेज़ कर देंगे ना बेसन तुरंत जलने लगेगा या फिर जल्दी जल्दी भुनने लगेगा और उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। अब इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये झाग नहीं खत्म हो जाते। दूध डालने के बाद 3-4 मिनट भून लिया है इसे, दूध खत्म हो गया और बेसन भी भूनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देते हैं, यानी टोटल इसमें 20 मिनट लग गए। गैस बंद करने के बाद भी आप इसे लगातार चलाते रहिए क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो नीचे जो कढ़ाई के तले में बेसन है वो डार्क हो जाएगा। और अब इस कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे जब तक कढ़ाई गर्म है। और इधर गैस पर दूसरा काम करता है। हम बर्फी को एकदम स्पेशल बना रहे हैं। उसमें मैं डाल रही हूँ खरबूजे के बीज। ये आधा कप खरबूजे के बीज है, वजन में 60 ग्राम। इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखा और इसे लगातार चलाते जाएंगे। बीजों से चटर पटर की आवाज निकल रही है, ये फूलते जा रहे हैं और थोड़ा सा कलर भी चेंज होता जा रहा है। ऑलमोस्ट सारे बीज फूल गए हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें थोड़ी देर गर्म कढ़ाई में चलाते रहते हैं। तो जो थोड़े बहुत बीज बच गए होंगे वो भी फूल जाएंगे। पूरे फूले फूले दिख रहे हैं और हल्का सा कलर चेंज दिख रहा है और ये एकदम क्रिस्पी भी हो गए हैं। बर्फी जमाने के लिए ये ट्रे ले ली। इसे थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस कर लेते हैं, इसे तैयार करके पहले ही रख देते हैं। अब बर्फी के लिए बनाएंगे शुगर सिरप। तो ये 1.5 कप चीनी, वजन में 325 ग्राम। और इसमें डाल रहे हैं 1.25 कप पानी। 1.5 कप चीनी, 1.25 कप पानी। जब हम शुगर सिरप चौड़ी कढ़ाई में बनाएं पानी थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है।
अगर आप इसे ऐसी लंबी भगोनी में बना रहे हैं तो पानी आप आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, पौना कप पानी ले लेंगे, आपको बहुत देर लगेगी सिरप बनाने में। और अब इसे चीनी घुलने तक कुक कर लेते हैं। चाशनी हम तेज़ फ्लेम पर कुक कर रहे हैं, फटाफट ये चीनी घुल गई पानी में। आप चाशनी बनाने से बिल्कुल मत घबराइए, जब आप इसे 2-3 बार बना लेंगे आप खुद ही इतना जान जाएंगे कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 तार 2 तार और फिर भी आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर चाशनी बनाने का तरीका पूरा दिया है, किस किस चीज़ में किस तरह की चाशनी यूज की जाती है वो पूरा दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उबाल आने के बाद हमने इसे 2 मिनट कुक कर लिया और देखिए इस तरीके से स्पैतुला से चाशनी को गिराएं तो जो आप बाद में देखेंगे जो बूंदें गिर रही हैं वो धीरे धीरे गिर रही हैं और लास्ट ड्रॉप आएगी उसमें थोड़ा सा तार निकलेगा। और इसके ऊपर से इस तरीके से थोड़ी चाशनी लीजिए, फ्लेम को धीमा कर देते हैं और ये देखिए इसमें तार बनने लगा है। बस बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी मत कीजिए वरना बर्फ़ी फटाफट जम जाएगी, 1 तार की चाशनी चाहिए। ये हो गई, फ्लेम बंद कर दीजिए और इसमें डाल रहे हैं हम ये इलायची का पाउडर। 8 इलायची को दरदरा कूट कर ले लिया है। इलायची तुरंत कूट कर लें, बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर दिया और अब देखिए ये बेसन ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से और आप इस बेसन का कलर देख रहे हैं कितना सुनहरा हो गया है। जब हमने इसे भूनकर रखा था, गैस बंद की थी, तब थोड़ा लाइट दिख रहा था लेकिन कढ़ाई गर्म थी, इसे हम चलाते गए और गर्म कढ़ाई में ही इसका कलर एकदम अच्छा ब्राउन आ गया और देखिए इसमें दाने भी अच्छे से बने हैं। ये चाशनी को बेसन में डाल देंगे और अब इसे मिलाते हैं। चीनी 325 ग्राम है और जो बेसन और सूजी थे वो थे 340 ग्राम, तो थोड़ी सी कम है, उनके बराबर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मीठा हो जाता है। बाकी चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लिया और मिलाकर हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा पतला लग रहा है तो इसे हम वापस गैस पर रखते हैं और थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। फ्लेम को लो मीडियम रखा है, तेज़ फ्लेम पर नहीं कुक करना है और बस इसे चलाते हुए थोड़ी देर कुक करते हैं। जैसे ही हमें लगेगा ये गाढ़ा हो गया तुरंत फ्लेम बंद कर देंगे। और इस बर्फ़ी को बनाने में हम किसी कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिना कलर के ही इतनी सुंदर लगती है ये, क्यों कलर डालें, कलर खाने से जितना बचे उतना अच्छा है। और ये जो बीज भून के रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देते हैं, ये थोड़े से बीज बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। इन बीजों से बर्फ़ी के अंदर बहुत अच्छा क्रंच आता है और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, किसी भी बड़ी किराने की दुकान पे आराम से मिल जाते हैं। अगर आपके आसपास नहीं मिलते तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। बस अब मैं इसे ज़्यादा नहीं कुक करूँगी, मैंने 3-4 मिनट और कुक कर लिया। अभी ये पतली दिख रही है क्योंकि घी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है ना गर्म में, इसलिए फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे जमाने के लिए ट्रे में डाल देते हैं। और बस इसको थोड़ा सा हिला के एक जैसा कर दीजिए और ये जो बीज बचाए थे वो इसके ऊपर, और ये जो घी की चम्मच है इसे थोड़ा सा बीजों को दबा देते हैं ताकि ये बर्फ़ी के अंदर सेट हो जाए। और जो हमने घी यूज किया था, मैंने पूरा 1 कप घी लिया था जिसमें से आधा कप से थोड़ा सा कम घी, ये 90 ग्राम घी बच गया है, यानी बर्फ़ी में 160 ग्राम घी लगा है। अब इसे जमने के लिए रख देते हैं, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कहीं भी टेबल पर रख दीजिए और मिलते हैं फिर जमने के बाद। इसे रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये हल्की सी सेट हो गई है। हम इसमें काटने के निशान डाल देते हैं क्योंकि बाद में जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी फिर थोड़ा सा काटने में दिक्कत आती है। अब इसे अलग तब करेंगे जब ये पूरे तरीके से सेट हो जाएगी। इसमें कल काटने के निशान लगा दिए थे, अभी हमने ओवरनाइट रख के ले लिया है इसे, वैसे 3-4 घंटे में अच्छे से सेट हो जाती है और बर्फ़ी को ट्रे से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो कोने का पीस निकालेंगे
बर्फी काट कर तैयार कर ली और इस बर्फी के टुकड़े मैं और भी छोटे कर लेती हूँ वाइट साइज में, क्योंकि मैंने वाइट साइज में कुछ पीसेस काटे थे वो मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो ये थोड़ी सी बर्फी बची है इसके मैं छोटे छोटे पीसेस बना लेती हूँ, और बाकी पीसेस तो आप अपनी पसंद से जैसे चाहे बना सकते हैं। बेसन की स्पेशल बर्फी बनकर तैयार है और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेसन को जब भून रहे हैं तो फ्लेम को लो मीडियम रखें, और चाशनी बना रहे हैं आपने जिस बर्तन से चीनी नापी है उसी बर्तन से पानी नाप कर आधे से थोड़ा सा कम ले लीजिए। आप बहुत अच्छी बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। आप इस बर्फी को बाहर ही रखकर पूरे एक महीने तक खा सकते हैं, फ्रिज में रखकर आप इसे दो महीने तक खा सकते हैं। तो आप इस बर्फी को ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कैसी बनी, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।